फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सौरभ जैन एंड आप सभी का प्रेप आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा फोकस 42 रामसर साइट्स एंड उनसे जुड़े हुए स्टेट्स के ऊपर होगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम निमोनिक्स के माध्यम से स्टेट्स एंड उनसे जुड़े हुए रामसर साइट्स को याद करेंगे। एंड दोस्तों, मेरा हमेशा से मानना है कि हमारी तैयारी यूपीएससी से एक कदम आगे होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, इन 42 साइट्स से जुड़ी हुई अहम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हम वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड को भी हम ब्रीफली कवर करेंगे। तो दोस्तों, काफी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, वेटलैंड्स को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। एंड दोस्तों, वेटलैंड इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का। एंड दोस्तों, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है? वेटलैंड टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जलीय एंड स्थलीय इकोसिस्टम के बीच की ऐसी ट्रांजिशनल लैंड होती है जहां पे वाटर टेबल या तो सरफेस पे होता है या फिर सरफेस के पास में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वाटर की डेप्थ काफी शेलो होती है। एंड दोस्तों, ट्रांजिशनल लैंड को क्या बोलते हैं? इकोटोन। एंड दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्पररी दोनों ही हो सकते हैं, विद वाटर या तो रुका हुआ होगा या फिर बहता हुआ पानी होगा। वाटर फ्रेश हो सकता है, ब्रेकिश हो सकता है एंड सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वेटलैंड में मरीन वाटर वाले एरियाज भी शामिल होते हैं जिनकी लो टाइड के समय डेप्थ 6 मीटर से कम होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें कि वेटलैंड भारत में 18.4% एरिया को कवर करता है एंड इसमें से भी मोर देन 70% एरिया पैडी कल्टीवेशन के अंडर में आता है, मींस जहां पे धान की खेती होती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि वेटलैंड्स कितने तरह का होता है। तो दोस्तों, वेटलैंड इनलैंड एंड कोस्टल दोनों ही हो सकता है, नेचुरल एंड मैनमेड दोनों ही तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेक्स, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, ये नेचुरल इनलैंड वेटलैंड है। रिजर्वोयर, टैंक्स, एश पॉन्ड, ये मैनमेड इनलैंड वाटर वेटलैंड्स। इसके अलावा दोस्तों, कोस्टल वेटलैंड्स में एचुरी, लगून, सॉल्ट पेंस, ये सब देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर सिटी में हुआ था एंड इस सिटी में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी, एक संधि साइन हुई थी जिसका उद्देश्य था कि वेटलैंड्स को हम कंजर्व करेंगे एंड उसका सस्टेनेबल एंड वाइज यूज करेंगे। दोस्तों, ये ट्रीटी 1975 में फोर्स में आई थी। एंड दोस्तों, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। दोस्तों, इस ट्रीटी से आज की डेट में 171 नेशंस जुड़े हुए हैं। एंड दोस्तों, जो भी नेशन इस एग्रीमेंट, इस ट्रीटी को साइन करता है तो उसके पीछे उसको कम से कम एक साइट वेटलैंड साइट डेजिग्नेट करनी होती है। दोस्तों, इसके अलावा हम अब बात करेंगे मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड की। दोस्तों, मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें वेटलैंड साइट्स मेंशन की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें केवल उन्हीं वेटलैंड साइट्स को मेंशन किया जाता है जहां पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं या आने की संभावना है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या फिर पॉल्यूशन या फिर किसी दूसरे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज मेंटेन एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। अब दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो फिलहाल हमारे यहाँ पे केवल 2 साइट्स ऐसी हैं जो कि मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में है। फर्स्ट, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है एंड लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। दोस्तों, इससे पहले चिलिका लेक को भी इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था बट 2002 में इसको इस लिस्ट से हटा दिया गया था। अब दोस्तों, हम बात करेंगे रामसर लिस्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों, रामसर लिस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। सेकंड इंफॉर्मेशन, आज की डेट में पूरे संसार में 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स हैं। अगर हम फर्स्ट साइट की बात करें तो वो थी कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया जो कि 1974 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। दोस्तों, अनदर इंफॉर्मेशन,
लार्जेस्ट साइट कौन सी है वर्ल्ड में, वो है रियो नेग्रो जो कि ब्राजील में है, उसके बाद गिरी तुम्बा मेंडोम्बे जो कि डीआरसी में है, एंड सेकंड साइट है क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा। एंड दोस्तों अगर हम उस कंट्री की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो वो है यूनाइटेड किंगडम जहां पे 175 साइट्स हैं, एंड उसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का जहां पे 142 साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया विद 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर रामसर प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये सारी बहुत अहम जानकारी है जिसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट्स की, एंड जो 42 रामसर साइट्स हैं भारत में जिनको डेजिग्नेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे इस टेबल में आपको सीरियल नंबर, देन वेटलैंड साइट का नाम, उसके बाद वो किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करता है, उसका एरिया कितना है, एंड किस तारीख को उसको डेजिग्नेट किया गया था। दोस्तों यहाँ पे एरिया एंड डेट से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, हम केवल यहाँ पे फोकस करेंगे कि कौन सा वेटलैंड किस स्टेट में या यूटी में पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेरू लेक की, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसको आप कैसे याद करेंगे, दोस्तों आप इसका निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे कि कोलर पे अंधेरा प्रदेश में। सेकंड है डिपोर बिल, ये पड़ता है आसाम में। दोस्तों इसको आप कैसे याद करोगे, आशा के दीप, आशा से आसाम एंड दीप से डिपोर बिल। अब दोस्तों अगला है कांवर ताल लेक जो कि बिहार में पड़ता है। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में कांवड़िया बहुत फेमस है, ये भगवान शिव को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो दोस्तों कांवड़िया से आप कांवर ताल लेक को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला है गुजरात, वहां पे पड़ता है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। दोस्तों गुजरात से बिलोंग करने वाली बहुत फेमस पर्सनैलिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पे सरदार सरोवर बांध भी है, तो दोस्तों इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगली वेटलैंड साइट से हिमाचल प्रदेश में, दोस्तों यहाँ पे तीन साइट्स देखने को मिलती है, चंद्रताल, पौंग डैम एंड रेणुका। तो दोस्तों इसको आप कैसे याद करोगे, हिमाचल की रेणुका चार धाम गई। तो दोस्तों हिमाचल से स्टेट, हिमाचल की रेणुका, चार मीन्स चंद्रताल, धाम मतलब पौंग डैम गई। तो दोस्तों आपको याद करना है हिमाचल की रेणुका चार धाम गई, इससे आप इन तीनों साइट्स को याद कर सकते हो। दोस्तों रेणुका लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे छोटा वेटलैंड है, इसका एरिया सबसे कम है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर। अब दोस्तों अगला हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पे तीन वेटलैंड साइट्स हैं। सबसे फर्स्ट है होकेरा, देन सुरिनसर मानसर, उसके बाद है वुलर। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही अच्छा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं यार होकरा, तो इसको हम याद करेंगे, यार एक बार जम्मू कश्मीर होकर आना, मीन्स होकेरा। एंड सर आप मान जाओ ना, एक बार जम्मू कश्मीर होकर तो आओ, एंड अगर जाओगे तो वुलन जरूर लेके जाना। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर होकर आ, सर आप मान जाओ ना, एंड वुलन जरूर लेके जाना। तो दोस्तों इस तरह से आप जम्मू कश्मीर की साइट्स को याद कर सकते हैं। दोस्तों अगली साइट्स आती हैं लद्दाख की, दोस्तों इसको आपको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये बिना कुछ निमोनिक्स बनाए भी आप इसको याद कर सकते हो। फर्स्ट है सो मोरिरी एंड दूसरी है सो कर, एंड दोस्तों ये सो कर अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। अब दोस्तों अगला वेटलैंड साइट है केरला की। दोस्तों केरला में तीन वेटलैंड साइट्स हैं, अष्टमुड़ी, देन सस्टम कोटा एंड उसके बाद वेम्बनाड। दोस्तों इसको आप कैसे याद करोगे, फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि केरला के आठ मुंडे मीन्स अष्टमुड़ी कोटा में। दोस्तों आप जानते हैं कोटा एक एजुकेशन सिटी है, केरला के आठ मुंडे कोटा में, कोटा विच एमबीए नाल गए, केरला के आठ मुंडे कोटा विच एमबीए नाल गए। तो दोस्तों इस तरह से आप इन तीनों प्लेसेस को याद कर सकते हैं, आठ मुंडे मीन्स अष्टमुड़ी, देन आता है कोटा मीन्स सस्टम कोटा, एंड विच एमबीए नाल मतलब वेम्बनाड की बात हो रही है। एंड दोस्तों वेम्बनाड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है इंडिया में, पहली कौन सी है, सुंदरबन। अब दोस्तों अगला वेटलैंड आता है मध्य प्रदेश में, वो है भोज। दोस्तों ये भोज कहां पर है, भोपाल में, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली साइट्स आती है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में फर्स्ट साइट है नांदूर मधमेश्वर, एंड सेकेंड है लोनार लेक। दोस्तों ये लोनार लेक तो हमेशा न्यूज में है, इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इस
तरह से आप इस साइट को भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला आता है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर की फेमस साइट है लोकटक लेक। एंड दोस्तों आपको अगर इसको याद करना हो तो आप लोकमान्य तिलक से भी इसको याद कर सकते हैं, लोकटक एंड मान से मणिपुर। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है। अब दोस्तों अगली साइट है उड़ीसा की। यहाँ पे दो साइट्स देखने को मिलती है, भीतरकनिका एंड चिलिका। अब दोस्तों इसको कैसे आप याद करोगे, भीतर से चिल्लाया उड़ी बाबा। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भीतर से चिल्लाया उड़ी बाबा। तो दोस्तों भीतर से हो गया भीतरकनिका एंड चिल्लाया से हो गया चिलिका, एंड उड़ी बाबा मतलब दोस्तों उड़ीसा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एंड दोस्तों चिलिका लेक, आप इसका टाइम देखिए दोस्तों, ये सबसे पहली साइट थी जिसको डेजिग्नेट किया गया था। इसके साथ दूसरी साइट थी केवला देव। इन दोनों को एक साथ वेटलैंड साइट रामसर साइट बनाया गया था। एंड दोस्तों अब हम बात करेंगे पंजाब की। दोस्तों पंजाब में हमें 6 रामसर साइट्स देखने को मिलती है, ब्यास, हरिके, कांजली, केशवपुर मियानी, नांगल एंड रोपड़। अब दोस्तों इसको आप कैसे याद करोगे, तो दोस्तों मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि पंजाब के हरि का ब्याह। दोस्तों ब्याह मतलब होता है शादी। पंजाब के हरि का मीन्स हरि के वेटलैंड। पंजाब के हरि का ब्याह काली केशो वाली, काली मीन्स कांजली, केशो वाली मीन्स केशोपुर, न्यू गल से रोपा गया। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पंजाब के हरि का ब्याह काली केशो वाली न्यू गल से रोपा गया। पंजाब के हरि मीन्स हरि के वेटलैंड का ब्याह मतलब ब्यास, काली केशो वाली मीन्स कांजली एंड केशोपुर, न्यू गल मीन्स नांगल से रोपा गया, रोपा गया मीन्स रोपर वेटलैंड की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब दोस्तों अगला हम बात करेंगे राजस्थान के वेटलैंड की। यहाँ पे दो वेटलैंड है, फर्स्ट केवला देव एंड दूसरा है सांबर लेक। दोस्तों इसको कैसे आप याद करोगे, अकेला राजा शंभू, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अकेला से केवला देव, राजा से राजस्थान एंड शंभू से आपको सांबर लेक याद करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। अब दोस्तों अगला आता है तमिलनाडु, जहां पे सिंगल साइट है उसका नाम है पॉइंट केलिमर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पॉइंट एंड केलिमर ये तमंचे से जुड़े हुए हैं, मींस रिवॉल्वर। दोस्तों तमंचा से आप तमिलनाडु को याद कर सकते हो। दोस्तों अगली साइट है रुद्रसागर लेक, जो कि त्रिपुरा में पड़ती है। दोस्तों आप जानते हैं रुद्र भगवान शिव को बोलते हैं एंड भगवान शिव को हम त्रिपुरारी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रुद्रसागर को त्रिपुरा से कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगली साइट है आसन बैराज, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों आप इसको याद कीजिए, उत्तर में आसन। दोस्तों आप आराम से आसन एंड उत्तराखंड को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो साइट है वो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे 8 साइट्स हैं, फर्स्ट नवाबगंज, देन पार्वती अरंगा, देन सामान, देन समसपुर, इसके अलावा सांडी बर्ड सेंचुरी, देन सरसई नावर झील, फिर अपर गंगा एंड सुर सरोवर। दोस्तों 8 साइट्स, ये ऐसा स्टेट है यूपी जहां पे मैक्सिमम वेटलैंड साइट्स आपको देखने को मिलेगी। रामसर साइट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, तो फ्रेंड्स जैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग, तो वैसा ही मैंने इसको बनाया है। हमें मैच द फॉलोइंग खेल खेलना है। सबसे पहला नवाब के सामान, पार्वती के सुर, सैंडी का समोसा, और फिर हमें बोलना है सर सही है, सर सही है। तो दोस्तों वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, नवाब का सामान। तो दोस्तों ये दोनों कवर हो गया, नवाबगंज एंड सामान बर्ड सेंचुरी। सेकेंड है पार्वती के सुर, तो दोस्तों इससे पार्वती एंड सुर सरोवर दोनों कनेक्ट हो गया। एंड तीसरा है सैंडी का समोसा, तो दोस्तों यहाँ पे है समसपुर हमने कवर किया, एंड अगली जो मैंने बात की थी सैंडी, उससे हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड लास्ट में हमें बोलना है सर सही है, सर सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सातों साइट कवर किए। एंड दोस्तों अगली है अपर गंगा, जो कि आप जानते हैं कि यूपी से ही बिलोंग करती है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नवाब के सामान, पार्वती के सुर, सैंडी का समोसा, सर सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद करना है। दोस्तों आखिरी दो साइट्स बंगाल से हैं, और इसके नाम में आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली साइट है ईस्ट कोलकाता, तो ये नाम से आप बताएंगे कि वेस्ट बंगाल से है। एंड दूसरी साइट है सुंदरबन। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रामसर साइट है एंड इसको 2019 में ऐड किया गया था। अब दोस्तों ये केवल मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि कौन सी 42 साइट्स हैं और वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगर दोस्तों आपको इतना ही जानना है तो आप इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको एक स्टेप जाके कुछ फर्दर
नई इंफॉर्मेशन जाननी है इन साइट्स के बारे में तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मैंने काफी समराइज फॉर्म में आगे की स्लाइड्स बनाई हुई है। दोस्तों इन स्लाइड्स में मैं आपको इन साइट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहला कोलोरो लेक, ये क्यों फेमस है, क्योंकि एक नेचुरल यूट्रोफिक लेक है। मैं दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे यूट्रोफिकेशन काफी ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे ग्रे पेलिकन्स काफी सारे आते हैं एंड इससे जुड़ी हुई बर्ड सेंचुरी है अटापका। तो दोस्तों ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी होगी। अगला है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, दोस्तों ये रिलिक्ट सी है, मीन्स यहाँ पे सी पुराने सी के अवशेष मिलते हैं। ये सेंचुरी इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है एंड ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है इन द थार डेजर्ट। तो दोस्तों ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होगी। दोस्तों पोंगडेम लेक, इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डैम, कौन सा वेटलैंड महाराणा प्रताप सागर कहलाता है। दोस्तों अगला साइट है जस्ट ए मिनट रेणुका लेक। दोस्तों यहाँ पे कास्ट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। दोस्तों आपने जीसी लियोन में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का काफी रोल होगा, यहाँ पे कास्ट फॉर्मेशन बनती है। दोस्तों रेणुका ये हिंदू ऋषि परशुराम की माताजी का नाम है, तो इस साइट की रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। अब दोस्तों अगली साइट है सुलिंगसर मानसर। दोस्तों ये साइट दो लेक्स को मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे महाभारत पीरियड के टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं एंड ये लेक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत हाई है, यहाँ पे काफी सारी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली लेक है वुलर लेक, ये भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। दोस्तों अगली साइट है सो मोरिरी। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर टू ब्रेकिश लेक है, यहाँ पे जो सेलिनिटी है उसका वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मीडोज, आपने जीसी लियोन में पढ़ा होगा मीडोज क्या होते हैं, दोस्तों मीडोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बोरेक्स आपको देखने को मिलेगा एंड कोर्जोक मोनेस्ट्री यहाँ से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। दोस्तों अगली लेक है अष्टमुड़ी, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये नेचुरल बैक वाटर है एंड यहाँ पे दो रिवर फ्लो करती है कलाडा एंड पल्लीचल एंड दोस्तों नेशनल वाटरवे 3 यहाँ से पास करता है एंड केरला की जो सबसे स्वाद वाली फिश है करीमी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों अगला वेटलैंड है सस्टम कोटा, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इससे जुड़ी हुई रिवर है कलाडा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम है, मतलब ये अपने आप फिर से भर जाती है, इसका यूनिक सिस्टम यहाँ पर है। एंड दोस्तों ये लेक डिप्लीट हो रही है क्योंकि इसका जो रिप्लेनिशिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। दोस्तों अगला साइट है वेम्बनाड कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केरला की लार्जेस्ट लेक है एंड रामसर साइट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट राम साइट है। ये भारत की लॉन्गेस्ट लेक है एंड ये फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, यहाँ पे आपको हाउस बोट्स देखने को मिलती है। एंड दोस्तों ये जो साइट है ये बिलो सी लेवल है। तो दोस्तों देखिए ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे भोज की। दोस्तों भोज भोपाल में है, ये दो लेक्स से मिलकर बना हुआ है, ये मैन मेड रिजर्वोयर है, इसको इंसानों ने बनाया है। एंड दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे काफी सारे सारस क्रेन देखे गए थे, इसलिए ये वेटलैंड न्यूज में था। दोस्तों अब मैं बात करूंगा लोकटक लेक की। दोस्तों ये फुमड़ी जो कि फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं उसके लिए फेमस है, यहाँ पे आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा एंड इंडेंजर्ड संगाई जिसको कि मणिपुर में ब्रो एंटलर डियर भी बोलते हैं वो भी यहाँ की खास बात है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो वेटलैंड है वो है भीतरकनिका, ये क्यों फेमस है, यहाँ पे गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे एंड ओलिव रिडलेट सी टर्टल जो कि आप हर साल द हिंदू में पढ़ेंगे वो भी इसी साइट पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगला वेटलैंड है चिलिका लेक, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर लगून है, इससे जुड़ी हुई रिवर है दया रिवर एंड दोस्तों ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है एंड दोस्तों वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लगून इसको बोला जाता है। एंड दोस्तों अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट लगून है द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ जो कि साउथ पैसिफिक में पड़ता है। दोस्तों इससे जुड़ा नालबाना आइलैंड है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों इरावडी डॉल्फिन आपको केवल चिलिका लेक में ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन है कांजली वेटलैंड के लिए। दोस्तों ये इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे गुरु नानक जो कि सिखों के पहले गुरु थे वो इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगला है केशवपुर मियानी, ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि
ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आप कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड का वाइज यूज कर सकते हो। अगला है दोस्तों नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये साइट इसलिए फेमस है क्योंकि 1954 में इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस फॉर्मुलाइज किए थे। दोस्तों मैं काफी तेजी से बोल रहा हूँ, आप इस स्लाइड को पोज करके आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों अगला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों 2017 में यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे केवलादेव नेशनल पार्क की। ये राजस्थान में क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगूंस का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों यहाँ पे जो एक इन्वेजिव ग्रोथ थी ग्रास की जिसका नाम था पसपलम डिसीचम, इस ग्रास की वजह से यहाँ पे हैबिटेट लॉस हो रहा था। और दोस्तों ये पार्क फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे सांभर लेक की। ये भी राजस्थान में है। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ये फ्लेमिंगो के लिए फेमस है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्राइकिंग वाटर कलर्स देखने को मिलते हैं जिसका रीजन क्या है, एल्गी एंड बैक्टीरिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे जस्ट ए मिनट पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। दोस्तों ये भगवान राम से इसका संबंध है एंड ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ आखिरी रेमिनेंट्स हैं जो कि बचे हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपर गंगा रिवर की। यहाँ पे आपको आयुसीएन रेड लिस्टेड गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगला वेटलैंड है सामन बर्ड सेंचुरी। ये फेमस क्यों है क्योंकि यहाँ पे सीजनल ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिलती है। सरसई नवाब फ्रेंड्स ये क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, दोनों ही एक साथ रहते हैं। एंड दोस्तों इस वेटलैंड का नाम सारस क्रेन के नाम पे बनाया गया था। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको हजारी महादेव टेम्पल भी देखने को मिलेगा। अगली साइट है नवाबगंज, इसको चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। अगली साइट है दोस्तों पार्वती अरंगा। ये क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऑक्सबो लेक देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगली साइट है सुर सरोवर। फ्रेंड्स इस वेटलैंड को, इस सरोवर को आगरा सिटी को वाटर सप्लाई देने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस वेटलैंड का संबंध आगरा की वाटर सप्लाई से है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है क्योंकि दोस्तों ये एक मॉडल है मल्टीपल यूज वेटलैंड का, किस तरह से आप वेटलैंड का मल्टीपल यूज कर सकते हो। दोस्तों इस वेटलैंड के माध्यम से कोलकाता सिटी के वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। एंड दोस्तों इसको बोला जाता है कि वन ऑफ द रेयर एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो फिश पॉन्ड्स है उसमें कोऑपरेटिव बना के वर्कर्स काम करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब दोस्तों कुछ लेक्स थी जो कि काफी न्यूज में थी। फर्स्ट था सो कार। ये क्यों न्यूज में है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, इसको भी रिसेंटली वेटलैंड बनाया गया है। एंड दोस्तों ये लद्दाख के चांगथांग रीजन से बिलोंग करती है। फ्रेंड्स इसमें दो कनेक्टेड लेक्स है, फर्स्ट का नाम है जो कि फ्रेश वाटर लेक है स्टार सपुक सो, एंड दूसरी लेक है जो कि हाइपर सलाइन लेक है सो कार। इन दोनों का ये लेक्स कनेक्टेड होती है। एंड दोस्तों सो कार का मतलब होता है कि लेक के किनारे जो व्हाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस होता है उसको सो कार बोलते हैं। दोस्तों इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं ये व्हाइट सॉल्ट है। एंड दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर ग्राउंड है, जो माइग्रेंट बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पे आके रुकती हैं। दोस्तों इस लेक का प्राइमरी सोर्स है ग्लेशियल मेल्ट वाटर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे लोनार लेक की। ये काफी न्यूज में थी, इसको अभी रिसेंटली वेटलैंड घोषित किया है। दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी ये है कि एक एंडोरिक या क्लोज्ड बेसिन है, मतलब इसका आउटलेट नहीं है, इसका कोई आउट ड्रेनेज नहीं है। एंड दोस्तों ये 50,000 साल पहले मेटेराइट इंपैक्ट से बनी थी। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों ये भारत में मेटेराइट इंपैक्ट से बनने वाली सिंगल क्रेटर लेक है। एंड इस लेक को 1823 में
ब्रिटिश ऑफिसर सी जे ई अलेक्जेंडर ने ढूंढा था। अब दोस्तों यहां पे आपको हेमादपंती टेंपल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि अभी रिसेंटली इस लेक का कलर पिंक हो गया था, उसका रीजन क्या था, हेलो आर्चिया माइक्रोब्स जो कि सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स होते हैं। एंड दोस्तों ये पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इस लेक का कलर पिंक हो गया था। तो दोस्तों ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।